हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो स्टडी चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे गाइनीशियम भी कहा जाता है। गाइनीशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द फ्री यूनिट ऑफ गाइनीशियम इज कॉल्ड पिस्टिल। ठीक है, फ्री यूनिट जो होती है इसकी, गाइनीशियम की, उसे पिस्टिल कहा जाता है या कार्पल भी कहते हैं। ओके, तो हम लोग जानते हैं पिस्टिल और ओब्यूल के बारे में। पिस्टिल को कार्पल भी कहा जाता है, मेगा स्पोरोफिल भी कहा जाता है, और ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं। अ कार्पल हैज टर्मिनल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। कार्पल में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच रिसीव पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है वो कहलाता है आपका स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा जो होता है वो पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है, ये कार्पल का एक पार्ट होता है। द बेसल ओब्यूल बियरिंग स्वेलोन पार्ट ऑफ कार्पल इज कॉल्ड ओवरी। जो बेसल पार्ट होता है पिस्टिल का, उसमें ओब्यूल भरे रहने के कारण वो स्वेलन दिखाई देता है, फूला हुआ भाग दिखाई देता है पिस्टिल का, उसे हम ओवरी कहते हैं। ये सबसे नीचे स्थित होता है। अ लॉन्ग नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी इज कॉल्ड स्टाइल। ठीक है, ओवरी और स्टिग्मा के बीच में जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, नैरो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, उसे हम लोग स्टाइल कहते हैं। मॉर्फोलॉजिकली द कार्पल इज रिगार्डेड एज अ मॉडिफाइड लीफ बियरिंग ओव्यूल अलोंग द मार्जिन। मॉर्फोलॉजिकली इसे लीफ समझा जाता है, जिसमें ओव्यूल पाए जाते हैं मार्जिन पे। ठीक है, द ओव्यूल्स आल्सो आर नोन एज मेगा स्पोरेंजिया विच आर बॉर्न ऑन अ कुशन लाइक टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजिया भी कहा जाता है, जो प्लेसेंटा से कनेक्ट रहते हैं। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इन साइड द ओवेरियन कैविटी। प्लेसेंटा ओवेरियन कैविटी में पाया जाता है। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओबरी मे बी वन। नंबर ऑफ ओव्यूल ओबरी में मे बी वन भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। जैसे व्हीट है उसमें वन होगा, राइस मैंगो वन ओव्यूल प्रेजेंट होगा इनकी ओबरी में, और वाटरमेलन पपाया ऑर्चिड इनमें बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ये वर्टिकल सेक्शन है, ये वर्टिकल सेक्शन ऑफ कार्पल है। पिस्टिल का जो नीचे का पार्ट होता है, स्वेलन पार्ट जो होता है वो ओबरी कहलाता है। ठीक है, और सबसे अपर मोस्ट टर्मिनल जो पार्ट होता है वो स्टिग्मा कहलाता है। उसके बाद स्टिग्मा और स्टाइल, स्टिग्मा और ओबरी के बीच का जो पार्ट होता है वो स्टाइल कहलाता है। ओबरी वॉल होती है, ओबरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, और ओव्यूल जो होता है वो फ्यूनिकुलस से जुड़ा रहता है, जो फ्यूनिकुलस प्लेसेंटा से कनेक्ट रहता है और प्लेसेंटा ओबरी से कनेक्ट रहता है। अगर ओबरी का सेक्शन देखेंगे तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे ओबरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो ओके स्टूडेंट, आज हम लोगों ने जाना पिस्टिल के बारे में।